कैसे हैं आप लोग, ये देखें, ये है 8 बजे सुबह के, यहाँ पे ये हाल है। और यहाँ पे ये नहीं है कि अगर टेम्परेचर माइनस में गया, 45-50 गया, तो बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। जो टाइम है वही चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग चाहते हैं कि ये यहाँ पे बच्चे इस क्लाइमेट को, इस वेदर को अडॉप्ट करें, इससे डर के ना भागें। जैसे मैंने बाकी कंट्रीज़ में देखा है कि छुट्टियाँ हो जाती हैं, रेनी डे हो गया या सर्दी ज़्यादा हुई तो स्कूल बंद हो गए, कोहरा हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और चले, टाइम हो रहा है, अब बच्चों का करते हैं हम लंच पैक दिया। तो ये देखें, लंच पैक के लिए मैंने बच्चों का सामान निकाल के तैयार कर लिया है। बस इनको जल्दी जल्दी, अब इनको बस जल्दी जल्दी डालना है इनके लंच पैक में। दोनों बच्चे हैं, दोनों की चॉइसेस बहुत डिफरेंट है, इसलिए अलग अलग मुझे लंच तैयार करना पड़ता है। और लंच की प्रिपरेशन मैं रात में ही करके रखती हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है जो जल्दी से बन जाएगी तो उसका सोच के रखती हूँ कि मुझे सुबह में क्या, तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आप अच्छे से मैनेज भी कर पाते हैं। ये हो गया नान पिज़्ज़ा मेरी बेटी के लिए, उसको बहुत पसंद है, उसको पूरे दिन में कितनी भी बार खिला दें। और ये बेटे के लिए चिकन नगेट्स। फ्रूट्स की भी चॉइस डिफरेंट है, बेटे को चाहिए होता है बनाना और मेरी बेटी के लिए जाता है एप्पल। अगर आप सोच के रख लें कि आपको सुबह में लंच में क्या पैक करके देना है बच्चों को, तो उससे मुझे लगता है कि आपकी भी बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। तो ये हो गया दोनों का लंच पैक तैयार, ये जाएगा अपने अपने बॉक्सेस में। ये बैग पैक तैयार है बच्चे का, और ये दूसरे बेटे की तैयारी। तो ये हो गया इन लोग का लंच पैक और बैग पैक तैयार। अब चलते हैं, इन लोग को उठाते हैं, स्कूल ड्रॉप करते हैं। ये देखें, ये बच्चे रेडी हैं और इतने स्नो में सब में बच्चे जा रहे हैं स्कूल। जल्दी चलो, यहाँ वेदर की हालत देख सकते हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल बंद नहीं होना, सो नहीं होना। आ गए हैं बच्चों को छोड़ के घर, गाड़ी कर दी है पार, अब चलते हैं घर की तरफ। इसमें को आप देख हाल देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि विंटर्स में आप अपनी जितने भी विंटर गियर वगैरह हैं उनको कैसे एक जगह रखें, तो उसके लिए जी बताती हूँ। हमने बनाई हुई ये शू रैक, इसमें सबके नाम की अलग अलग लेबलिंग करती है और ये बॉक्सेस खुल जाते हैं, इसमें आप अपने शूज़ रखें। और जब हम बाहर से आते हैं तो ये एक छोटा सा बकेट मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसमें आके आप अपने ग्लव्स रखें, अपनी गाड़ी की चाबी भी यहीं रखती हूँ और साथ में अपने स्पैक्स। और बूट्स को आप उतार के यहीं पे छोड़ें, क्योंकि बूट्स में अभी थोड़ी सी मॉइस्चर होगी और उसमें रखेंगे हम कबर्ड में, तो फिर उसमें मॉइस्चर आने की होती है। तो मैंने अभी अपने बूट्स यहीं उतार के रख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी की ये सारी पूरी शेल्फ है, शू रैक है ये मेरी। ये देखिए आप, इस तरह से ये खुल जाती है और उसमें शूज हम स्टोर कर सकते हैं। अब मसला बचता है आपके इस जैकेट्स वगैरह ये कहाँ, तो देखिए कनाडा के घर हमारी कोट की क्लोजेट है, यहाँ पे हम अपनी सारी जैकेट्स वगैरह ला के उतार कर रख देते हैं,
चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने से और उनको ठीक से अरेंज करने से फ़ायदा ही होता है कि आपका बहुत टाइम बच जाता है, मैसअप नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा क्लोज़ेट, ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा ग्लव्स वगैरह होते हैं वो बच्चों के मिटन, वो सब रखते हैं हम। नीचे शेल्फ में सारे जैकेट्स वगैरह हो गए, और ये शूज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरे इस तरह से ये शू रैक। चलिए जी, तो बच्चों को छोड़ने लाने का काम हो गया, सर्दी से फुर्सत हो गई, अब हम बनाते हैं खाना। तो अब मुझे बनाने हैं पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रात में प्रिपरेशन करके रखती हूँ, तो मैंने पायों को हाफ बॉयल करके रख दिया था, और अब बाकी के बॉयल में अब इनको कर रही हूँ। यहाँ हो रहे हैं पाए रिबॉयल, और ये है मेरा पायों का मसाले के लिए। तो मसालों के लिए हमें चाहिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं, हमें चाहिए तो हरी मिर्च, सॉरी। तो चलिए जी, इसका मसाला जब तक हम तैयार कर लेते हैं, ये देखें पाए ऑलमोस्ट सारे बॉयल हो चुके हैं। एक प्याज हमारी फ्राई हो रही है, तो मसाला निकाल लेते हैं, और मसाला निकालते निकालते थोड़ी सी बातें भी करते हैं। तो आजकल मैंने सुना है कि लोग बड़ा कह रहे हैं कि कनाडा आना है नहीं आना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वेदर ऐसा है। तो बस मैं आप लोगों से छोटी सी बात शेयर करूँगी, मैं जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो। देखें, आपको आना है, और अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप उस चीज़ में एडजस्ट करिए। ये मेरे साथ हो चुका है, जब मैं यहाँ पे आई थी 2020 में, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा क्या हाल था, डिप्रेशन था, सारी चीज़ें थी। लेकिन अब 2023 में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ हमारे पास है उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और उसे अच्छे से मैनेज करना चाहिए। और मैनेज तो आपको ही करना है, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर है, वो आपने ही देखना है। आप चाहें उसे रोक कर करें या अच्छे से करें, ये मर्ज़ी आपकी होती है। और बहुत से सारे लोग कहते हैं कि यहाँ का वेदर ख़राब है, जाना है, कोई यहाँ कनाडा मत आओ। तो मैं कहूँगी भाई, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन जो आगे आने वाले लोग हैं, जो आगे की जनरेशन है, कुछ बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, और उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट मिलेगा इस चीज़ से। बस आप लोग इस बात का ख्याल रखें, अगर आपको जाना है जाइए, लेकिन इस तरह की बातें नहीं बोलिए, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाएंगे कहीं ना कहीं तो डिसएडवांटेज होती है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है। लेकिन ये डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर के ऊपर कि आपने एडजस्ट करना है या नहीं करना। आप कहाँ कहाँ से भागेंगे, आज आप यहाँ से भागे, कल वहाँ से भागेंगे। तो आपने एक बार ख़ुद को बैठ के सोचना है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ सही हैं या हमें कुछ और करना है। तो मेरा एक बस ये छोटा सा मैसेज है कि ऐसा मत कहिए कि आने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगे, या वो बच्चे जो स्टूडेंट जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए आना चाहते हैं वो आने से पहले या पहले सोचें, या उनके पेरेंट्स उनको आने से मना कर दें। तो ऐसा कोई भी मैसेज आप मत दीजिए किसी को, मेरी राय हिसाब से। सो ये मेरी अपनी पर्सनल राय थी, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे जब हम आते हैं तो थोड़ा डिप्रेशन भी होता है, आइसोलेशन भी होता है, क्योंकि मैं खुद एक फैमिली से थी जो जॉइंट फैमिली है, बहुत लविंग फैमिली थी। अब बस मैं यहाँ पे, मैं, मेरा हस्बैंड और दो बच्चे हैं। लेकिन जब चीज़ें आप समझने लगें तो आपको लगता है कि लाइफ ईजी हो जाएगी, वरना तो फिर वही सारी चीज़ें हैं, परेशानी, आप खुद परेशान रहेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, और वही फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर बच्चों को निकलता है। तो उस सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मैनेज करना है। तो मुझे लगता है ये एक किसी भी लेडी के अंदर, किसी भी वुमेन के अंदर ये एक नेचुरल फैक्टर होता है कि वो अगर चाहे तो वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत इजीली मैनेज कर सकती है। सो चलें फिर आप अपनी कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें, ये प्याज मेरी ऑलमोस्ट फ्राई होने वाली है, इसको हम निकालेंगे। ये मसाला है, अब हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेते हैं। चलिए फिर झटपट करते हैं। तो देखें, ये हमारा पानी जो था वो अलग से निकाल दिया मैंने, अलग ड्रेन कर दिया है। ये सारे पाए कट रहे हैं, और ये थोड़ी सी बोटियाँ, क्योंकि यहाँ पे पाए पूरे वैसे नहीं मिलते कि एक्स्ट्रा बोटी या नली क्या बोलते हैं उसको, इस तरह की बोटीज नहीं मिलती। तो ये मैं थोड़ा सा अलग से बोटियाँ डाली हैं, चिकनी बोटी तो होती हैं लेकिन
फिर भी इधर हमारा हो रहा है मसाला बहुत, और फिर भी मसाले में अच्छा से खोल आ गया है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे कि हम अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, एटलीस्ट 2 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और हम इसको अच्छे से खोलेंगे और लहसुन अदरक के बाद ही मैं डाल देती हूँ इसमें दही, और दही डाल के थोड़ी देर के लिए हम इसे हल्का सा पानी ऐड करके भूनने रख देंगे। और जब भी आप सालन में या किसी भी चीज़ में दही ऐड करें तो हमेशा थोड़ा सा फ्लेम को कम कर दें और उसके बाद आप दही ऐड करें और चलाते रहें इसको। जी ये हो गया हमारा दही एंड इधर हमारा बन रहा है मसाला। और जब तक मैं आपको दिखाती हूँ मौसम, अभी आपने सुबह हमें देखा था कि मौसम कितना ख़राब था, -22 था। और आप एक बार ज़रा इधर अब इस टाइम देखें मौसम, ये धूप निकली हुई है अब और -13 है। तो इसलिए कहते हैं कि कनाडा के 3W पर कभी भी यकीन ना करें। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये 3W कनाडा के लिए कौन से हैं जो कि बहुत फेमस हैं।